आज की हमारी कहानी है चुड़ैल से हुआ सामना। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है, मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ ही में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पर अपनी बाइक लेकर लॉन्ग रोड पे चल देता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचते हुए मेरा शरीर और रूह कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल की बुकिंग करनी पड़ती थी। एक रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पार्क करते वक्त नाश्ते के लिए दुकान खोजने लगा। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत की। अचानक मेरा पेट बिगड़ गया, मैं होटल पर जा सकूं इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय का यूज़ किया। वहीं पर मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, पुरुष शौचालय में ये औरत क्या कर रही थी? इसी समय वहाँ की लाइट चालू और बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो मजाक कर रहा है? बाहर निकल, तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा, दरवाज़ा तो बाहर से खुला हुआ था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का मारिए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि मेरा पेट फिर से खराब हो गया। मुझे उस वापस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई और वापस लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री के हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं जल्द ही अपना काम पता के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे वहाँ पर बहुत ज़ोर से पकड़ रहा है और पूरी ताकत लगा रहा है और दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। बाहर देखकर मैंने सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा देखा तो उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं मरने वाला हूँ और ज़ोर ज़ोर से मैं वहाँ पर रोने लगा। काफ़ी अंधेरा था, एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मुझे लगा शायद मैं अब नहीं बच पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंख वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत आ खड़ी हुई। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ना चालू किया, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर वहीं पर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर आ गिरा। पायल की आवाज़ जोर जोर से हो रही थी। औरत मेरी तरफ देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी बार कोशिश की और ज़ोर से दरवाजे को झटका मारा, ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। अचानक से दरवाज़ा खुल गया। जब मेरी नज़रें बाहर खड़े लोगों पर पड़ी तो सब मुझे देखकर हंसने लगे। अरे यार, ये तो कोई पागल वागल लगता है। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि ये तो पी के आया है। तभी वहाँ पास खड़ा एक आदमी मेरे पास आके पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझे कहा, तुम ज़रा पीछे मुड़कर देखो। मैंने जब उस आदमी के कहने पर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वहाँ कोई शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चुंगुल में मैं नहीं आया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।